हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी, बाल कटवाने के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है, हर डे है, तो मुझे लगा कि आज वॉश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वॉश करने के बाद कैसे दिखेंगे बाल, क्योंकि असलियत तो अब इनके सामने आएगी। अभी तक तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि वहां से वो सेट वेट करके देते हैं बढ़िया बालों को, तो तब तक तो अच्छे ही लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि बाल कटवाने के बाद कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे होंगे मैं बता दूंगी आपको अभी थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आज के दिन की शुरुआत करूंगी मैं कैसे पहले, चलो देखते हैं जो भी होगा, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, अभी मैं उठ गई हूँ। पहले मैं आपको व्यू दिखाऊंगी मेरे रूम से कि बाहर बाल करने से कैसा व्यू दिखता है इधर से, फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की व्यू से। ये इधर बाल करने का दरवाजा और धूप जबरदस्त लगी है आज। तो गाइज, ये कुछ व्यू है इधर से और मौसम बिल्कुल साफ है। थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ। ये इधर रूम है और ये छोटी सी मेरी बालकनी है, और ये यहाँ पर मैंने छोटा सा झाड़ू रखा है। मैंने एक्चुअली दादी ने ला रखा है ये, वो इसी से झाड़ू मारते हैं। इधर छोटी सी बालकनी है तो ठीक है, कपड़े वगैरह धोने धो के इधर ही सुखा लेती हूँ मैं। बाकी व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइज, ये था मेरा जो बालकनी वाला डोर है जहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया अभी। और यहाँ पर मेरे पर्स है, कभी जाना होता है रूम से तो फटाफट से यहाँ से बैग उठा के निकल जाओ, और ये रूम को बिल्कुल अवॉइड करो अभी, क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और ये रूम बिल्कुल ऐसे हो रखा है अभी गंदा सा। और ये जब दरवाजा खोलती हूँ तो ये मैट इधर को आ जाता है कि मैं आपको मिलती हूँ, बाकी इसको अवॉइड करो। ये मेरा स्टडी टेबल है जो मैं कभी कभार यूज करती हूँ पढ़ने के लिए, बट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें है पांडा। ओके, तब मैं आपको फटाफट से मिलती हूँ यहाँ का सफाया करके, ठीक है? तो जी हाँ दोस्तों, सफाया मैंने कर लिया है बिल्कुल रूम का, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को रूम टूर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जब मुझे कभी रूम टूर करवाना होगा ना, उस टाइम मैं आपको ढंग से दिखाऊंगी। फिर अभी मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि मैं जब रूम पे होती हूँ पूरा दिन, तो उस टाइम मैं क्या क्या करती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी पहले पानी लगाऊंगी नहाने के लिए, और थोड़ा सा ब्रश व्रश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चलो लेट्स गो, बाथरूम में चलते हैं अब। तो दोस्तों, ब्रश मैंने कर लिया है, पानी भी लगा लिया है नहाने के लिए। अब जाएंगे हम किचन में, किचन में जाके करेंगे, देखूंगी कुछ बचा कुचा है खाने का कि नहीं है। चलो लेट्स गो। तो गाइज, ये देखो मैंने सब्जी बनाई थी आलू और न्यूट्री की, तो मैंने ये इसमें रख ली थी निकाल के। तो गाइज, ये जो मैं आपको किचन दिखा रही हूँ ना, इसको आप अभी अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रखी है। वैसे मैं इतनी गंदगी कभी रखती नहीं हूँ। चलो मैं आपको दूर से दिखा लेती हूँ, ऐसा कुछ मेरा किचन है जहाँ पे पड़ा हुआ है सामान ही सामान, सामान ही सामान, सामान ही सामान, ठीक है? तो बिल्कुल इस गंदगी को अवॉइड करो, क्योंकि ये अभी साफ होगा। इतना दिखा लिया तो आप लोगों को मैं अपना स्टडी टेबल तो दिखा दूं। देखो मेरे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं इधर, और ये एक बुक रखी है मैंने इधर, इतनी मोटी है, देख रहे हो कितनी नई है ये। देखो देखो इसे, ये एक साल पहले ली थी जो आज तक खोली नहीं है। अब ये डब्बे होते हैं ना, मतलब ये जो इस तरह के होते हैं ना, जो भी है इसमें पेन रखते हैं, बट देखो मैंने क्या रखा है इसमें, कॉइन, बहुत सारे कॉइन है मेरे पास, ठीक है? तो ये इस तरह का कुछ यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है, और यहाँ पर एक कैलेंडर भी लगा रखा है मैंने, यहाँ पे इंडिया का मैप लगा रखा है, और ये कुछ ऐसा सा सामान रखा हुआ है इधर। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना मेरा स्टडी टेबल का, ये बड़ा अच्छा है। और अब आप लोग सोचोगे चेयर, यहाँ है चेयर। अब आप सोच रहे हो भाई कंबल बिछा रखी है मैंने चेयर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे शाम के टाइम, तो इसीलिए कंबल ऐसे ना, फिर पीछे को भी ठंड नहीं लगेगी, इधर को भी जहाँ बैठते हो वहां पे भी ठंड नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने ये कर रखा है जुगाड़, ठीक है? तो ये है मेरा स्टडी टेबल। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा ना, आपको कोई रूम टूर नहीं देती हूँ यहाँ पे ना, ये मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। अगर आपको चाहिए होगा ना तो दे देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अच्छे से रूम टूर दूंगी, क्योंकि अभी हालत नहीं है कमरों की कि मैं रूम टूर दे सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा कभी मेरा बिजी शेड्यूल हो जाता है बीच बीच में, कभी कहाँ जाती रहती हूँ, कभी कहाँ, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा फिर मैसी मैसी हो रखा होता है रूम। तो अभी भी मैं आपको सुबह जस्ट उठ के ही मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ, जो भी गंदगी पड़ी है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अपनी जगह पे नहीं है। जुकाम भी लगा है मुझे, तो हर बार ना
गंदगी पड़ी जाती है। सुबह मैं हमेशा सफाई करके रखती हूँ और शाम तक पता नहीं मुझे इतना मजा आता है ना, जैसे सफाई हो जाती है ना पूरी और उसके बाद हर कहीं मतलब हर चीज फेंक दो, उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि यार खुद ही सफाई करो, खुद ही गंदगी फैलाओ। पागल लग रही हूँ ना मैं, पर हूं नहीं। चलो मैंने आपको थोड़ा 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 मोटा मोटा रूम टूर दे दिया और चप्पल लगाती हूँ, पहले चप्पल भी दिखाती हूँ। ये देखो मेरी क्यूट सी चप्पल जो मैं रूम पे पहनती हूँ, क्यूट है ना, क्योंकि टाइल्स पे लगती है ठंडी। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया है पानी गरम, मैं जाती हूँ फटाफट से नहाने। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रूम पे रह के व्लॉगिंग तो कर रही हूँ, साथ में से पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हूँ मैं। जब मैं दूसरे ब्लॉगर्स को देखती थी ना जब मैं छोटी थी, फिर मैं सोचती थी यार ये अकेले बात कैसे करते हैं, अकेले बड़बड़ाते रहते हैं यार। अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि जब व्लॉगिंग करते हैं ना आपको लिटरली ऐसा लगता है कि कोई आपको सुन रहा है। मतलब अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे आज व्लॉगिंग करते हुए रूम पे। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि यार मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है कुछ करने के लिए। व्लॉग अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज लाइक करो। आप ना मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, व्यूज तो आ जाते हैं गिने चुने बट लाइक तो बहुत ही कम आते हैं, इसीलिए प्लीज पहले लाइक कर लो वीडियो को, ठीक है, फिर आपको मिलते हो। तो इसलिए मेरे को ये दोनों अच्छे नहीं लगे क्योंकि इससे ना बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं मेरे बाल, है ना। और मैं ये वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ, हेड एंड शोल्डर, ये बहुत अच्छा शैम्पू है, ठीक है। साथ में मेरे बाथरूम में कुछ ज्यादा चीजें नहीं रहती हैं, बस ऑयल रख लेती हूँ एक, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको रूम टूर पे दिखाऊंगी। तो हे गाइस अभी मैं नहा के आ गई हूँ और हेयर वॉश भी मैंने कर लिया और अच्छे लग रहे हैं मुझे बाल, अच्छा लग रहा है मुझे छोटे बालों के साथ। मुझे लगा था पता नहीं धोने के बाद कैसे होंगे, बाकी ये तो आदत ही नहीं इतने लंबे लंबे बालों को धोने की, बट चलो खत्म करते हैं ये बालों का टॉपिक। अच्छा लग रहा है मुझे इनके साथ, तो शुरू में थोड़ा अजीब सा लगा बट नाउ ठीक है। अब टेक केयर और जल्दी मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।